हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, अब ये मेरा सेकंड वीडियो है आज का, और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मैसिव अवेकनिंग हो क्यों रही है, या आप अवेकन हो क्यों रहे हो। मैसिव अवेकनिंग हो क्यों रही है, इतने सारे लोगों की अवेकनिंग, जागृति, कुंडलिनी राइजिंग क्यों हो रही है, इतने सारे लोग असेंशन के प्रोसेस में क्यों है। अचानक से पूरे वर्ल्ड वाइड 2019 में मैंने लास्ट टाइम मैसिव अवेकनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और अब 2021 में एक और वीडियो। ठीक है, क्या कारण है कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, क्यों हो रही है। ऐसे पहले तो किसी की नहीं हुई ना, इतनी मैसिव एक दुक्का की होती होगी पहले, बट ऐसी मैसिव अवेकनिंग क्यों हो रही है, इसके बारे में ये वीडियो। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, और एक और चीज़, मैं ना जब भी ये स्नेक्स देखती हूँ या ड्रीम में या कहीं पे भी, मतलब दिख रहे हैं मुझे, यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड दिखा रहा है, सो मैं ये देखती हूँ कि उस टाइम पीरियड में ना मेरे को चीज़ें बर्दाश्त होनी बंद हो जाती हैं। जैसे अभी आप 2-3 दिन से मेरे वीडियो देख रहे होंगे, मैं थोड़ा अलग वे में बात कर रही हूँ। मैंने नोटिस करा है कि पहले मैं सोचती थी कि ये हमारे, मुझे लगता है कि हमारे अंदर ही जो ऊर्जा या जो मिलन हो रहा है ना, ये हमारे अंदर धीरे धीरे जो शक्ति ऊपर उठ रही है उसका साइन होता है ये। हाँ, ऑब्वियसली जब अंदर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो बाहर की चीज़ें भी मैनिफेस्ट होंगी, और अब बाहर क्या आपने सोच के रखा है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन किस चीज़ के लिए जा रही है। अब ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने बाल खोले तो फिर से ये इन्फिनिटी का सिंबल बन गया। सो द पॉइंट इज़ कि जब भी मैं ये इन्फिनिटी सिंबल ज़्यादा देखती हूँ, या जब भी मैं कहीं पे भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ज़्यादा सपने दिखाता है, जैसे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, मैं उसके बाद ना चीज़ों को बर्दाश्त होना मेरे को बंद हो जाता है। मतलब जो बहुत दिनों से मैं इग्नोर कर रही हूँ चीज़ों को, वो इग्नोर होना बंद हो जाता है, और मैं फिर यहाँ पे एक नए तरीके से बात करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, शायद अंदर के जो शिव शक्ति के जो एनर्जीज हैं जो ऊपर ऊपर जब उठती हैं, तो इंसान, मुझे नहीं लगता कि उसको, वो गंदगी साफ होती है ना अंदर की, और मुझे नहीं लगता कि इंसान फिर किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त कर पाता है। तो अभी मुझे 2-3 दिन से ये दिख रहे हैं, सो इसीलिए आप मेरा वे ऑफ जो टॉकिंग है या जो इस तरीके की बातें मैं कर रही हूँ, तो शायद आपको कुछ लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे अंदर की शक्ति ही मुझसे बुलवा रही है, जिसको मैं रोक भी नहीं सकती। ठीक है, सो मैसिव अवेकनिंग हो क्यों रही है, और आप अवेकन हो क्यों रहे हो, क्या कारण है। इस वक्त इतने सारे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड अवेकनिंग के प्रोसेस में है, कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, विदेशों में हर कंट्री में लोग अवेकन हो रहे हैं और अपने अवेकनिंग के एक्सपीरियंसेस को डाल रहे हैं, अपनी कंट्री के लोगों को मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद जो मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी लोग 13,800 लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, उनका मुझे फॉलो करने का कारण यही है क्योंकि उनको भी सिंक्रोनिसिटीज होती थी, या उनकी लाइफ में भी कुछ डिफरेंट अजीब वियर्ड एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये मैडम तो वही बातें कर रही हैं, तो चलो उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, है ना। और चैनल्स को भी आपने इसीलिए किया। बट मैसिव अवेकनिंग क्यों हो रही है, उसके बारे में ये वीडियो है, क्योंकि आप जो अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, आपको समझना होगा अच्छे तरीके से कि ये अवेकनिंग ईश्वर करा क्यों रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इल्यूजन्स चल रहे हैं, उनको लग रहा है अवेकनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमको हमारा ट्विन पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाएगा, और वो इनर वर्क भी इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, इस डिज़ायर में फंस के कर रहे हैं, और कोई उनका मोटिव नहीं है। मैंने कुछ दिनों पहले इनर वर्क का कोर्स डाला, कल या परसों में, तो लोग आके मुझे बोल रहे ट्विन फ्लेम कोर्स, मैं इनर वर्क कोर्स की बात कर रही हूँ, वो ट्विन फ्लेम कोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में, जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, वो वाली सी हालत होने लग गई है लोगों की। मैं बात इनर वर्क कोर्स की कर रही हूँ कि अपने अंदर वर्क करना है, अंदर की चीज़ों को समझना है, कौन सी चीज़ें अपने साथ बैठना है, कौन सी चीज़ें गलत हैं उसको एक्सेप्ट करना है, धीरे धीरे उनके ऊपर काम करना है, है ना। वन नाइट प्रोसेस तो है नहीं कि एक ही रात में सब ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन इस इनर वर्क प्रोसेस में या इनर वर्क में जब धीरे धीरे काम करेंगे, तो अंदर की सारी चीज़ों को धीरे 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 ठीक करने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन वो भी उनको इनर वर्क कुछ नहीं दे रहा है। मैम, ट्विन फ्लेम को इतने पढ़े लिखे लोग तो सिर्फ इंग्लिश में बातें करते हैं, वो लोग भी मुझे फ़ोन करके, मैम ट्विन फ्लेम कोर्स, अरे ट्विन फ्लेम कोर्स नहीं है ये, इनर वर्क कोर्स था। तो
सुगुने ट्विन इनर वर्क कोर्स को, अवेकनिंग की जर्नी को सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ के रख लिया है। उनको लग रहा है कि हमारी जो अवेकनिंग हुई है वो इसीलिए हुई है कि हमारे हमारे ट्विन से बस मिलन हो जाए। बात करी जा रही है इनर वर्क कोर्स की, तो वो भी उनको लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कोर्स है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट ये वीडियो जो है ये समझाने के लिए है फिर से कि मैसिव अवेकनिंग हो क्यों रही है पूरी वर्ल्ड वाइड और इतने सारे लोग अवेकन क्यों हो रहे हैं, या आप अवेकनिंग के प्रोसेस में क्यों हो, क्या मेन कारण है कि ईश्वर आपके अंदर या माँ कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है, क्या मेन कारण है, क्यों जरूरत पड़ गई इतनी मैसिव अवेकनिंग की, और क्यों आपने अपनी आंखों के ऊपर जो है पर्दा लगा रखा है सब कुछ जानते हुए भी। चैनल जो लोग इस चैनल को पूरा फॉलो करते हैं उनको समझ होगी कि इस चैनल पे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ अवेकनिंग के बाद वाली सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग जो है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के वीडियोस देखने आते हैं इस चैनल पे। सो ये चैनल जो है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का गुलाम नहीं है। इस चैनल पे सब कुछ शेयर होता है। वो आपकी गलती है कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम और चैनलिंग वीडियोस को सुनने देखने के लिए यहाँ पे आते हो। अदरवाइज यहाँ पे अवेकनिंग के बाद होने वाली सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, जो थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, जिन चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं है उन चीज़ों की रिगार्डिंग भी माँ शक्ति जो है मुझे कई चीज़ें गाइड करती हैं और वो मैं इस चैनल पे जो है शेयर करती हूँ। सो अवेकनिंग जो मैसिव हो रही है उसका क्या कारण है मेन, तो मुझे लगता है कि अर्थ पर जो इतना ज़्यादा अंधकार मचा हुआ है अज्ञानता का गंदगी जो इतनी ज़्यादा मची हुई है, इतना ज़्यादा जो अत्याचार हुआ है, इतनी ज़्यादा जो हाहाकार मची हुई है, इतनी ज़्यादा जो बुरा फैली हुई है, उसी को ठीक करने के लिए ये वर्ल्ड वाइड अब अवेकनिंग हो रही है। पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोग पिछले कुछ सालों में डिप्रेशन में गए हैं। ये उनमें से बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में गए हैं या बहुत सारे लोगों की जो डेथ हुई, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में थे और एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाए तो कुछ डिप्रेशन में चले गए और कुछ इस दुनिया से चले गए। और ये कोरोना वायरस जो लगता है माँ काली का ही एक रूप है, ये एक और ऐसे लोगों को सबक दे रहा है इस तरीके से कोरोना के तौर से कोविड के रूप लेके। COVID-19 माँ काली का ही रूप है, जिसने पढ़ी होगी दुर्गा सप्तशती, उसको पता है कि महामारी के रूप में ही माँ जो है दोबारा से आती हैं लोगों को सबक देने के लिए। सो अवेकनिंग का एक बहुत बड़ा कारण है कि अर्थ को जो है 3D से 5D में कन्वर्ट करना है, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो जितने भी लोगों के अंदर ये शक्ति जागृत हो रही है बेसिकली उनको 5D की तरफ खींचा जा रहा है। पर 5D में जाने के लिए पहले उन्हें 4D से गुजरना होगा और 4D में उन्हें सारी चीज़ें समझ आनी होगी, अपने ऊपर बहुत काम करना होगा, अपने ऊपर इनर वर्क करना, खुद को ऑब्जर्व करना होगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ईगो की लेयर ख़त्म करनी होगी, तभी जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। सो 5D में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिन्होंने अपनी इनर क्लीनिंग कर ली होगी, जो उन्होंने अपने अंदर की ईगो निकाल ली होगी, गंदगी निकाल ली होगी, वासना काम क्रोध मोह माया के ऊपर जिसने काम कर लिया होगा वही आगे बढ़ पाएगा। इस प्रोसेस बाहर के लोग, बाहर कंट्री के लोग 3D to 5D में जाना कहते हैं, इंडिया के लोग जो है कलयुग से सतयुग में जाना कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस में हो और आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर पर अटके हुए हो तो आपको आपकी काम वासना के ऊपर काम करना है। बचपन में मैंने पढ़ा था ना काम क्रोध मोह माया, मैंने अपनी संस्कृत टीचर से जाके पूछा था ये क्या है, क्रोध समझ आ गया, मोह समझ आया और माया भी समझ आ गई, ये काम क्या है? और मेरी मैम ने बड़े प्यार से समझाया मुझे कि काम ये होता है। तो जितने भी लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर में अटके हुए हैं इस जर्नी में, वो वासना में अटके हुए हैं, उनको अपनी वासना के पॉइंट पे काम करना है। 5D में डेफिनेटली आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बहुत हाई वाइब्रेशनल होंगे, बहुत प्योर सोल होंगे, शक्ति शिव जिनका बैलेंस होगा, तो वो चीज़ तो वैसे ही आपको वहाँ मिलनी है। यहाँ सिर्फ 4D में आपको इसी चीज़ के ऊपर तो काम करना है, अपने काम क्रोध मोह माया के ऊपर, और माया में ही आप एक्चुअली में सबसे ज़्यादा फंसे हुए हो देखा जाए तो। एक और चीज़ कि जैसे ये शक्ति जागृत हो रही है सभी के अंदर वाइट, हर तीसरे इंसान में, हर पांचवें इंसान में जागृत हो रही है। वो इंसान जब लाइट बींग बन रहा है फिर वो जागृत लोगों से मिल रहा है तो वो बाकी लोगों को जागृत कर रहा है, और ये चेन सिस्टम बनता ही जा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें कर क्या रही है शक्ति बेसिकली।
तो शक्ति जागृत हो रही है ताकि वो शुद्ध, जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठेगी वो उसके अंदर की गंदगियों को साफ करेगी, जैसे जैसे वो बंदा शुद्ध होता चला जाएगा, ठीक है, उसका कंठ खुलता चला जाएगा, उसके अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी, तो वो फियरलेस होता जाएगा। तो यहाँ पे शक्ति उससे उम्मीद कर रही है कि आवाज़ उठाए, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, समाज में होने वाली गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए। हाथ पे हाथ के ना बैठा रहे, वो बैठ ही नहीं पाएगा। जिसकी असली शक्ति जागृत हो रखी होगी, जिसका शुद्धिकरण हो रखा होगा, वो हाथ पे हाथ रख के समाज में होने वाले तमाशों को नहीं देखेगा। वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने अपने तरीके से ज़रूर एफर्ट डालेगा, इस महापरिवर्तन में सहयोग देगा, और जो भी प्रकाश उसके अंदर है वो प्रकाश वो औरों तक भी पहुंचाएगा, ताकि उस प्रकाश में और लोग आके वो भी आगे जागृत हो सकें, वो भी शुद्धिकरण के प्रोसेस में जा सकें, वो भी 5D में एंट्री ले सकें, वो भी एक अच्छे समाज का हिस्सा बन सकें। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस वक्त आप देखो, हर 10 में से तो कुछ लोगों को डिप्रेशन हो रखे हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ हो रखा है। तो इस प्रोसेस में पीड़ा तो बहुत है, ठीक है, और वो पीड़ा किसी बाहर के बंदे ने नहीं दी आपको, वो हमारे खुद की ही, जो हमने गंदगी अपने अंदर लपेटी है ना, किसी के बारे में बुरा सोच लिया, किसी को बुरा बोल दिया, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें अपने अंदर रख ली, बहुत गंदगी जो लपेटी है, अब उसकी जब सफाई चल रही है तो तकलीफ हो रही है। तो वो जो तकलीफ आपको हो रही है, वो चीज़ आपने अपने अंदर खुद ही समाई है, और माँ अब जो है उसकी सफाई कर रही है, बस दैट्स इट। तो आपको सहयोग करना है उस सफाई में। अगर मैं पीछे पलट के देखूं, मैं तो 1987 में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन अगर मैं पीछे पलट के देखूं कि ऐसी मैसिव अवेकनिंग पहले भारत में कब हुई थी, तो मुझे लगता 1947 में हुई थी, जब हमारा देश पहले गांव था। अचानक से कुछ लोगों के अंदर ये होने लगा कि हम गुलाम क्यों हैं, हमें भी आज़ाद रहने का अधिकार है, हमारे देश को आज़ाद रहने का अधिकार है। और उनकी वो जो लाइट थी, उनकी वो जो ज्वाला थी, वो और लोगों तक भी धधकने लग गई, और लोग भी एकदम से जागृत होने लग गए, और सबके कलेक्टिंग एफर्ट से वो जो हम सैकड़ों सालों से गुलाम बन के बैठे हुए थे अंग्रेज़ों के, हम आज़ाद हो गए, है ना। तो उस टाइम पीरियड में मुझे लगता है कुछ मैसिव ऐसा हुआ था अवेकनिंग, कि जिसमें कि सारे लोग एक होकर एफर्ट्स डालने लग गए, और देश जो गुलामी में था वो आज़ाद हो गया, और अब फिर से हम इतने सालों के बाद फिर से इस प्रोसेस में हैं, और इसका भी कोई बड़ा रीज़न है। सो द पॉइंट इज़ कि आपकी अवेकनिंग चाहे जिस भी रीज़न की वजह से हुई हो, कोई मर गया, कोई चला गया, कोई आ गया, कोई सदमा लग गया, कोई दिख गया जिसको देख के आपको बड़ी सोल शॉक लग रहे हैं, या किसी ने आपको छोड़ दिया, वो मेन पॉइंट नहीं है। वो जो हादसा आपके साथ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो मेन चीज़ नहीं है। उस चीज़ को नहीं सोचते रहना है, बल्कि अपने इनर शुद्धिकरण की तरफ मोर फोकस करना है, ठीक है। जो चीज़ हुई हो उसको फोकस नहीं करना कि इस वजह से मेरी अवेकनिंग हो गई, वो कोई मेन चीज़ नहीं है, वो एक पॉइंट है, या एक प्रोसेस, एक कुछ हादसा हुआ जो यूनिवर्स ने कराया, जिसकी वजह से आपको जागृत किया जा रहा है। लेकिन आपको सिर्फ इनर शुद्धिकरण के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, काम क्रोध मोह माया लोभ इसके ऊपर वर्क करना है, अपने अंदर के डीमंस को ख़त्म करना है। डीमंस ही हैं ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग ऐसे हुई है कि कोई उनको मिल गया, ठीक है, उनका कोई स्पिरिचुअल पार्टनर पास लाइफ या कहीं से भी कुछ भी ऐसा मिल गया, या बिछड़ गया, या मर गया, कुछ हो गया, तो उनको क्या लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, बस उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नहीं करना उसके ऊपर इतना फोकस, ठीक है, नहीं तो आप इस माया जाल में फंस जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। हर बंदा अगर अपने ऊपर वर्क करेगा इस जर्नी में, तो आप देखना कि धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, और फिर शक्ति ने उसके अंदर जागृत होगी, उठेगी और उसके कंठ को खोल देगी, उसकी आवाज़ बाहर आने लगेगी, फियरलेस होने लगेगा, और जो शक्ति ने और शिव ने उससे कार्य लेना है, वो कार्य वो अपने आप करने लगेगा, और इस महापरिवर्तन में वो ज़रूर मदद करेगा अपने अपने, चाहे उसका इत्तू सा हो या इतना हो, जितना भी हो, वो अपने लिए सहयोग करेगा इस परिवर्तन में। और जो इंसान इसी में फंस गया ना, कि डिज़ायर में फंस गया, या किसी भी प्रकार की उसमें फंस गया, तो वो फिर वो गया इस गेम से। मेरी डॉटर आज बड़े प्यार से पूछ रही थी, वीडियो गेम खेल रही थी, तो कहती मॉम ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइफ जो है ये भी एक वीडियो गेम सी है, और कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, कि कौन है जो हमें कंट्रोल करता है। एंड शी वाज सेइंग कि उस दिन मेरी लड़ाई हो गई थी मेरे दोस्त के साथ, तो उस दिन जैसे मैंने बिहेव किया वो मैं नहीं हूँ। सो आई वाज लाइक हाँ, हमारा जो काम क्रोध मोह माया लोभ, ये जो चीज़ें होती है ना हमारे अंदर की, हमें कंट्रोल करती हैं। सो अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो, या ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है। थैंक गॉड मेरी डॉटर ने ऑब्जर्व किया,
एक ऐसी चीज़ है जो हमें उजाले की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर ओन पर्सनल हीलिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर में फंसे या बहुत ज़्यादा क्रोध में या ईगो में फंस गए तो आप गए फिर इस गेम से, ठीक है। आप उस महापरिवर्तन में सहयोग नहीं कर पाओगे। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि क्यों इतनी मैसिव अवेकनिंग हो रही है, क्यों ईश्वर इस तरीके, क्यों शक्ति इस तरीके से सबके अंदर जागृत हो रही है। कोई ना कोई कार्य होगा इसीलिए वो जागृत हो रही है। प्लीज़ उस चीज़ के डीप उसको समझो, डीप कॉज को या रूट कॉज को समझो, उस माया में मत फंसे रहो, ठीक है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।